हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू डूम टाइम डॉक्टर वंस अगेन, अनदर एपिसोड, एक्साइटिंग एपिसोड. जिसमें एक क्वेश्चन किया गया था काफ़ी लोगों से कि हाउ टू सेव योर ड्रोन फ्रॉम द बर्ड्स. जी हाँ, बर्ड्स आर ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द ड्रोन फ्लायर्स. मैंने भी काफ़ी बार फेस किया है, स्पार्क के टाइम पर भी और मैवी केयर के टाइम पर भी. तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे मैंने कुछ टिप्स निकाली हैं. एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कैसे सेव कर सकते हैं आपका ड्रोन इन टिप्स को फॉलो करके फ्रॉम द बर्ड्स. स्काई में जाएंगे तो बर्ड्स तो होंगे, तो कैसे उसमें अवॉइड किया जाए और कैसे सेव किया जाए आपका ड्रोन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी. एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो. एंड इस चैनल पे हम ऐसी वीडियो लाते हैं ड्रोन्स के ऊपर और ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टिप्स. तो फ्रेंड्स, अगर आप ड्रोन उड़ाएंगे, स्काई में उड़ाएंगे, तो स्काई में आपको मिलेंगे बर्ड्स. छोटे बर्ड्स मिल सकते हैं, बड़े बर्ड्स मिल सकते हैं, क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ कलर के ऊपर. कलर ऑफ़ द ड्रोन मैटर्स. अगर आपके पास डार्क कलर यानी ब्लैक कलर का ड्रोन है और हमेशा आप ड्रोन खरीदते समय ये प्रेफर करें कि वो ब्लैक कलर का हो. रीज़न इसका ये है कि ब्लैक कलर से जो पक्षी हैं या बर्ड्स हैं नेचुरली डरते हैं और उसके पास नहीं आते, कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट्स. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, स्पार्क मेरा वाइट था, उसमें ज़्यादा अटैक्स हुए थे बर्ड्स के. ब्लैक मेरा मेवी केयर है, उसमें अटैक्स कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट वन. तो ऑलवेज गो फॉर डार्क कलर. यही रीज़न है कि फैंटम 5 अगर आएगा तो वो ब्लैक में वो लॉन्च करने वाले हैं. और मैविक 2 प्रो भी आपने देखा होगा ग्रे के अंदर लॉन्च हुआ है. तो दे आर ऑल्सो प्रेफरिंग डार्कर कलर्स. सो डार्कर कलर्स हेल्प्स अगेंस्ट बर्ड्स अटैक. दिस इज़ द नंबर वन टिप. तो अगर आपके पास, अगर आप लेने वाले हैं ड्रोन, तो डार्क कलर का लें. अब नंबर 2 की ड्रोन आपके पास है, वाइट है, तो अब क्या किया जाए? तो ऐसा नहीं है ब्लैक पे भी अटैक नहीं होता, ब्लैक पे भी अटैक होता है बट कम होता है. तो अगर अब अटैक हो तो सेकंड टिप क्या है? सेकंड टिप ये है कि जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तो अगर बर्ड्स आसपास होंगे तो तभी वहाँ पर घूमने लग जाएंगे. तो उस तो ज़्यादा ऊपर ले जाने से पहले उसको थोड़ी हाइट पर रखिए ताकि आप जल्दी से उसको लैंड करवा सकें. और अगर कुछ उसका बर्ड उस टाइम उसको अटैक करे भी तो अगर क्रैश हो तो ज़्यादा चोट ना लगे ड्रोन को. तो मतलब थोड़ी हाइट पे उसको रखें, थोड़ी देर होवर कराएं. तो होवर कराने से क्या होगा कि बर्ड्स को पता लग जाएगा कि ये कोई मशीन है जो उड़ रही है, उसकी आवाज़ उनको पता लगेगी, पहचानेंगे और वो वहाँ से थोड़ी देर घूम घूम के उड़ जाएंगे. छोटे बर्ड्स, ये छोटे बर्ड्स के उसमें है. अगर आप उसमें हड़बड़ा गए, छोटे बर्ड्स ने अटैक कर दिया या टकरा गए तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो मैं यही करता हूँ, अगर आपको दिख जाए कबूतर वगैरह या छोटे छोटे बर्ड्स आपको दिखते हैं ड्रोन को ज़्यादा ऊंचा ले जाने से पहले, तो आप थोड़ी देर उसको थोड़ी ऊंचाई पे होवर करा दें. होवर कराएंगे तो वो उसको देख के दूर भागेंगे, उसके पास नहीं आएंगे और उस एरिया से चले जाएंगे. तो ये दूसरी टिप है. तीसरी टिप, जब आप ऊपर ले गए हैं ड्रोन, तब किसी पक्षी जैसे चील ने अटैक कर दिया, मतलब उसको फॉलो करने लगा, तो फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपने पास ऐसा ड्रोन है जैसे मैविक 2 प्रो हो गया जिसकी बैटरी लाइफ थोड़ी अच्छी है और वो फुली चार्ज है और अभी स्टार्टिंग में ही आप ऊपर ले गए हैं और अटैक हो गया, बर्ड्स फॉलो, चील फॉलो कर रही है आपके ड्रोन को, तो उस टाइम पे इंस्टेंट ये कर सकते हैं अगर आपका बैटरी अच्छी है, आपको मालूम है, तो उसको एल्टीट्यूड उसका इंक्रीज कर दें, बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाएँ. चील जो है इतनी, मतलब उसको आपको फॉलो नहीं कर पाएगी इतना ऊंचा. तो जैसे जैसे आप ऊँचा जाएंगे वो उसको फॉलो नहीं कर सकती. तो ऑन द स्पॉट लोग ये टेक्निक अपनाते हैं, मैंने भी अपनाई है. लेकिन अगर आपके पास बैटरी कम है, कम बैकअप वाला ड्रोन है, स्पार्क है सपोज एग्जांपल, और काफ़ी आपने 50% चला ली है बैटरी, तो उस टाइम पे हाइट में ले जाना गलत होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा हाइट पे ले गए तो रिटर्न टू होम कर देगा और उस टाइम पर अगर बर्ड्स हुए तो प्रॉब्लम आ सकती है और उसको नीचे उतरने में भी बैटरी ख़त्म हो सकती है ज़्यादा ऊँचा ले गए. तो उस टाइम पे आप यूज़ करें स्पोर्ट मोड का. तो मैंने ये वीडियो कार्ड में भी दे दिया, ये मेरे साथ हो चुका है स्पार्क के टाइम पर, इवन मैविक एयर के टाइम पर. मैं हमेशा ये रामबाण है बर्ड से बचने का, स्पोर्ट्स मोड. तो जब भी बर्ड्स आपके इमरजेंसी में ऊपर हैं, आप उड़ा रहे हैं ड्रोन और बर्ड्स ने अटैक कर दिया, फॉलो कर रहे हैं, चीलें फॉलो कर रही हैं, तो स्पोर्ट्स मोड को ऑन करें, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड बहुत फास्ट है. इवन स्पार्क में भी बहुत फास्ट है, तो बाकियों में तो उससे भी ज़्यादा फास्ट है. तो उस स्पीड को बर्ड्स फॉलो नहीं कर पाते, दे ट्राई बट दे कांट.
तो उस स्पीड्स में स्पोर्ट मोड में लाते हुए ड्रोन अपनी तरफ वापस लेके आए फटाफट। और ये मत करें कि बस जहाँ से बर्ड्स आ रहे हैं उससे ऑपोजिट ले जाएं और लाल लो के अपनी तरफ लेकर आए ड्रोन को। तो इस तरह आपको स्पोर्ट्स मोड जो है बचा लेगा आपका ड्रोन। मेरे कई बार एक्सपीरियंस हुआ है तो हर बार स्पोर्ट्स मोड ने मुझे हेल्प करी है। तो यही थी 3-4 टिप्स जो आप फॉलो करें हमेशा। और एक एडवाइस है कि बर्ड्स को कभी डिस्टर्ब मत करें। अगर सबसे बढ़िया तो यही है अगर आपको दिख रहे हैं काफ़ी बर्ड्स उस टाइम पर हैं, आप ऐसे टाइम पर ड्रोन गए हैं जब काफ़ी बर्ड उस टाइम हैं, तो अवॉइड करें ड्रोन को उड़ाना। ट्राई टू फाइंड टाइम जब आपको बर्ड्स कम मिले, बट कभी भी बर्ड्स मिल सकते हैं तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा इन्फॉर्मेशन। लाइक कीजिए अगर आप पसंद आया वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। जय माता।